स्टार्ट करें, सारे तो नहीं होगा इसमें तो अभी भी ठीक है माशाल्लाह बहुत अब सही आप सुर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन, वेलकम टू अरेबियन नाइट स्पेशल। कैसे हैं आप? ठीक मजे में। और देखते हैं पहले जरा चांद की पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं जैसे एक्चुअली गाड़ी में आ रही थी तो मुझे यहाँ दुबई में चांद नजर नहीं आ रहा था, ये कोई अजीब सी बात है। मुझे लीजर ने कहा हाँ इज नो मून, मैं चेक कर रही हूँ कि आप राशिद भाई आपने चांद देखा? नहीं नहीं देखा। अब क्लोजअप देखे राशिद भाई, राशिद भाई सर कैसे देखे? अभी 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 नीचे से ऐसे ऊपर करके देखे, अभी ऊपर देखे, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बच्चन, क्या बात है आपकी माशाल्लाह। मैं कहां आपको चांस दूंगी शो पे, अब आपको लेके आ गए हैं, अब आपको दुनिया देख सकती है माशाल्लाह पाकिस्तान में। अब आप देखें आपको कितने कितने बड़े बड़े चांस मिलने वाले हैं। हाँ चांद की बात हो रही थी, और खैर से डॉक्टर साहब 6 रोजे हो गए ना पाकिस्तान में, 6 हमारे यहाँ 7, ये 7वें दिन का चांद है माशाल्लाह। देखें जरा चांद की पोजीशन, देखें चांद की नजर भी उतारनी चाहिए। हो हमारे यहाँ ऐसा लुबान या ऊद कहते हैं कि जी मगरिब के टाइम पे जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, जो बुरी एनर्जीज होती हैं, बुरी नजर बुरा असर घर पे वो जो है वो आयमाईशाय हो जाता है। तो माशाल्लाह चंद अम्मा सो क्यूट। ओके मैं आ रही हूँ इधर, नॉट बैड, गुड, काफी इंप्रूवमेंट आ गई राशिद भाई आप में। और अरेबियन नाइट्स में कल इतना मजा आया आप सबके साथ, और मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा मजा आया वो तो फैसल कुरैशी को आया होगा जब उनको पता चली होगी अपनी अपनी फिटनेस एज जो कि 63, वो अभी भी सकते में है। और उनको मैं खैर 4 लोग पकड़ के एयरपोर्ट तक लेके गए कि भाई आपने वापस भी जाना है, मान लें कि आपकी फिटनेस एज इज 63, बट मैं बड़ी होपफुल हूँ। आप सही है, हाँ मैं अब भी होपफुल हूँ कि फैसल की जिंदगी सोच रूटीन में बहुत चेंज आने वाला है, लाइफस्टाइल में चेंज आने वाला है। मतलब अभी तो जाएंगे तो बेगम को भी सुनाने को कोई नया मटेरियल मिलेगा ना कि फैसल व्हाट इज दिस, प्लीज कुछ करना पड़ेगा तुम्हें अपनी फिटनेस एज के बारे में। और अब मतलब बुजुर्ग होने का या ये कि तुम बूढ़े हो गए हैं मैं क्या करूं बुढ़ा मिल गया वाले ताने सुनने को मिलेंगे फैसल को, तो फैसल की अब चेंज आएगी जिंदगी में। इसके अलावा आज डॉक्टर एम भी काफी चेंज लाएंगे, जी हाँ उनको अपने शिकार मिल चुके हैं। बकायदा इतने अरसे से मैं आपको पता ऑडिशन होती है ना किसी रोल के लिए, लगा था पता नहीं क्या हम वीरजारा बना रहे हैं डॉक्टर साहब, नहीं जो ऑडिशन के लिए लड़के लड़कियां ऑफिस तक में सिफारिशें आ रही थी। मतलब हमारे काम करते हैं भाई, उनका पेट का मैं अक्सर मजाक उड़ाती रहती हूँ, तो उनकी बेगम तक का फोन आया कि आप इनकी मदद कर सकते हैं इनको, प्लीज आप इनको भी हिस्सा लेने दें, डॉक्टर एम से कहें कि इनका कुछ वेट लॉस का इनका कुछ करें। अर्शद भाई थोड़ा मतलब सुरीला बोला नहीं जा रहा है, तो आउट ऑफ सुर हो रहे हैं आप। हाँ तो रोना आ रहा है इनके म्यूजिक पे। अच्छा इधर नहीं माशाल्लाह स्माइल तो है ना साथ में, उसके भी नंबर दें। तो डॉक्टर एम ने फाइनली सेलेक्ट कर लिया वो जिनको वो समझ सकते हैं कि उनको काफी फर्क पड़ेगा, जिनमें मोटिवेशन है क्या है वो खुद बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और आज के शो में भी कल की तरह अरेबियन नाइट्स है, रमजान का बाबरकत महीना है माशाल्लाह, रमजान मुबारक आप सबको, तो उसमें जरूरी है जो हमने कल गिफ्ट दिए थे टेक्स्ट करने वालों को आज। राशि भाई थोड़ा बंद करो, अभी टेंशन है थोड़ी, नाम वाम बताने होते ना जरा, इसलिए आई नीड टू फोकस, या तो सुरीला म्यूजिक हो या कोई म्यूजिक ना, अपना म्यूजिक बेहतर है इसकी जगह है। तो आज पिज्जा हट के वाउचर्स वंस अगेन, इस्लामाबाद पिशावर में भी आप हो तो वहां भी अगर पिज्जा हट है तो उधर भी कहीं भी जहां आपके घर के पास कहीं भी ब्रांच है आपके शहर में पिज्जा हट की आप उसके आसपास जा सकें तो हमें टेक्स्ट करें। फिर नैंडोस के लिए जो है ना, नैंडोस से भी आप जाके इफ्तारी कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात, लाहौर कराची इस्लामाबाद पिज्जा हट का भी वैसा ही सीन है। शेरेटन ओनली फॉर कराची व्यूअर्स, उनको भी हमें देने हैं वाउचर्स, इफ्तारी वाउचर्स। फिर वाइट डाइनिंग लाउंज लाहौर, हाँ वहाँ से 6 लोगों के लिए कुछ बम्पर अवतार पार्टियां भी हम चाहते हैं कि आप जरा 6 लोगों को लेके जाए ना, टोर ही अलग होती है ना अपनी, क्या आई आप भी हैं आप भी हैं चलो सभी चलते हैं, तो मतलब ये एक और जरा एक रूप जमाने वाली अफतारी वाउचर है। और ये रूपदार अफतारी है जो ये वाइट डाइनिंग लाउंज की तरफ से है, और विंड मिल्स रेस्टोरेंट वाले जो है वो भी 6 लोगों को एक साथ ही मौका दे रहे हैं अफतारी करने का। जी हाँ लड़ाई ना कीजिएगा, बड़े प्यार मोहब्बत जाए अफतारी करें और चुप करके वापस आ जाए। ओके पवेलियन एंड क्लब कराची ये भी दे रहे हैं जी वाउचर्स डेली अफतारी के। चैनवन की, हाँ चैनवन का बेड सेट भी आपको मुझे देना है, और उसके लिए तो कुछ सवाल होता है बड़ा धांसू। कल तो बड़ा अच्छा था कि जी फैसल की क्या एज होनी चाहिए फिटनेस एज, आज दानिश शो पे आ रहे तो उनसे उनकी एज का करें हिसाब किताब, नहीं आज नहीं करेंगे, रोज थोड़ी होगा तो फिर तो वो बात ही खराब हो जाएगी ना। हालांकि कल जो मेरे शो पे गेस्ट आ रहे हैं आई विश कि मैं उनका करवा सकती, क्या उनकी मतलब एज और क्या उनका रोब और दबदबा है, क्या उनकी ज्वेलरी मशहूर है, वो खैर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बट चैनवन की तरफ से अगर आपको बेड सेट चाहिए तो वो मैं इसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगी।